हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। हम पहले टॉपिक में कवरअप कर चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में हम बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना होता है। उनमें से एक टॉपिक है गाइडेड लाइट सिस्टम। जो गाइडेड लाइट सिस्टम है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किस तरह से हमारी लाइट गाइडेड होती है, और ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या है, किस किस तरह से बना हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हमारे तीन पार्ट्स में होता है। तो तीन पार्ट्स कौन से? सबसे पहला पार्ट है हमारा कोर, जिसको हम बोलते हैं इनर पार्ट, कोर। ये ग्लास फाइबर का बना होता है और प्लास्टिक का भी बना रहता है। प्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट से बना रहता है, और पॉलीएथाइलिन से भी बना रहता है, पॉलीस्टाइरिन से भी बना रहता है। बेसिकली ये सारा के सारा जो हमारा कोर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्लैडिंग भी हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वो स्लाइटली ग्रेटर होती है बजाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, पर मामूली सा अंतर रहता है। उसके बाद हमारा उसके ऊपर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जैकेट्स। और हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर किसका बना हुआ है, ग्लास सिलिका का और प्लास्टिक का। और मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो हम कम्युनिकेशन में जो मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, उसकी जो हमारा डायमीटर है वो बेसिकली 0.25 से 0.5 mm तक इंक्लूडिंग जैकेट होता है। मतलब कि इसकी जो साइज इसमें बनाई हुई है वो समझाने के लिए बड़ा बना रखा, पर बेसिकली इसकी जो साइज है वो हमारे एक हेयर बाल के बराबर होती है, उससे थोड़ी सी स्लाइटली ग्रेटर होती है। और इसको हम अगर आप देखोगे, इसका लाइव एग्जांपल अगर आप किसी मेले में गए हो, आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे इस तरह के, जिसमें इस तरह से लाइट ट्रेवल करती है, और यहाँ पर आपको लाइट चमकता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर हमारी ये लाइट इस तरह का आइटम्स होते हैं। बेसिकली इसमें किस तरह से हमारी लाइट ट्रेवल करती है। और ऑप्टिकल फाइबर है ट्रांसपेरेंट कोर, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ट्रांसपेरेंट कोर होता है, सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग। जो क्लैडिंग होती है वो भी हमारी ट्रांसपेरेंट से होती है, और उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर होती है। इसके बाद क्या है कि जो हमारा ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ये हमारा प्रिंसिपल पर काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस टॉपिक में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।